जिलाधिकारी के विजयन पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सोमवार को जनपद में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के गांव हाटा बुजुर्ग तथा प्राथमिक विद्यालय असिला भार उर्वा का निरीक्षण किया और विद्यालय एवं गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज करने तथा गांव तथा विद्यालय में आने व जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पूरे 3 किलोमीटर एरिया में बैरिकेडिंग कर सील कर दिया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पॉइंट पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ रहे और गांव वालों को आवश्यक सेवाओं की सहायता में सहयोग करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसडीएम खजनी व एसपी साउथ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यारो साहब गाड़ी में ग्लव्स हो तो एक डब्बा ग्लव्स दे दीजिए इधर मुझे। तो हमें आप दिखा दीजिए वो स्कूल दिखा दीजिए, फिर उसका घर नाम होने जा रहा है। क्या ये देखो हमें उनके परिवार को भी क्या गारंटी के लिए चला क्या काम हो गया। अब 2500 है सर, घर को तो बांध दिया गया है। वो सब रात को रुका था, क्वारंटाइन में तो होम क्वारंटाइन में है। रात को यार कहाँ भी रुको तो ये राम मुनि रात में नहीं रुका, रुका था यार घर पे ही, घर खेत में था। कितने बजे आपने 12 बजे ये यहाँ से स्कूल में पहुँच, कोई बच्चे लोग आदमी इधर नहीं आए। 1 किलोमीटर एरिया सील होगा भैया, ये अभी 4-5 घंटे कोई सबको मना कर दिया, मना करने से नहीं मतलब उसके बाद नहीं, अब ये कम से कम 14 दिन रहेगा। तो जो इस घर के लोग हैं अगर रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट होना चाहे तो शिफ्ट हो जाए, वो एकदम सील कर दो इसको। वो भी घर पीछे दिख रहा है, कितना रोकोगे, कौन यहाँ जाएगा, इस बिल्डिंग को छुएगा, उधर छुएगा, इधर छुएगा। जी जी जी, मंदिर शायद आपने विद्यालय में बना लिया लग रहा है। नहीं, मंदिर विद्यालय यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये रामलीला का मैदान है सर। अच्छा, रामलीला में घर में रहिए। देखिए बेदी, आप बेदी बना राम लक्ष्मण का, घर में रहिएगा। इसको समझ रहे ना आप, यहाँ से पूरा इसको ब्लॉक करा। किट वाले भेजो ना यार, कहाँ बात कर रहा है यार। बंद कर रहे हैं मकान के सामने। चलो